वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC NRB मुंबई का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आता है स्टाइपेंडेट यानी कैटेगरी 2 पोस्ट पर, इसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और एडवांस एग्जामिनेशन कंप्लीटेड हो गया है। सभी स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे जब से एग्ज़ाम हो गया है तब से कि सर कब तक इस पेपर का डिस्कशन करेगा। तो आज मैं इसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ। एग्जामिनेशन में आप लोगों को 50 क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आज टोटल 42 प्लस क्वेश्चन कलेक्ट कर पाया हूँ। बाकी क्वेश्चन अगर किसी को भी याद है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, तो और भी क्वेश्चन आप लोग को कलेक्ट हो जाएगा। 42 जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम टू सेम आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आज मैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पेपर डिस्कशन करूंगा, कल मैं एडवांस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करूंगा फीटर ट्रेड का, उसका बाद मैं प्लांट ऑपरेटर का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का 50 में से 50 क्वेश्चन का ही डिस्कशन करूंगा, 100% मैं आप लोग को वादा करता हूं। तो आज मैं स्टाइपेंडेट यानी कैटेगरी 2 पोस्ट का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 42 क्वेश्चन, उसका डिस्कशन शुरू करने वाला हूं। सभी स्टूडेंट को वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक्स कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट मेरे को हेल्प किया था इस पेपर को बनाने के लिए। मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया, एक एक क्वेश्चन को मैं कलेक्ट किया हूं, सबसे मैं क्वेश्चन लेके कलेक्ट करके आज का पेपर मैं बनाया हूं। जो भी स्टूडेंट IGCAR का एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा, वो सभी स्टूडेंट के लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ऐसे आप लोग को और भी क्लासेस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें DAE प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल और एडवांस एग्जाम स्पेशल दो प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एक एक प्लेलिस्ट में 30 प्लस वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, जो आप लोगों को प्रिलिमिनरी और एडवांस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इस बार भी हुआ है और IGCAR का एग्जाम में भी होने वाला है। इसका बाद मैं आज का क्वेश्चन डिस्कशन शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज, कॉनकेव लेंस से जो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस होता है वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है, मतलब नेगेटिव होता है, और कॉनकेव लेंस तो नेगेटिव 1 होता है, कॉन्वेक्स लेंस जब भी होगा तो मोर देन 1 मतलब पॉजिटिव होता है। समझ में आ गए। सेकेंड क्वेश्चन, द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:6:7। एक ट्राइंगल का एंगल का रेशियो आपको दिया गया है 5x, 6x और 7x। आप लोग जानते हैं ट्राइंगल का तीन एंगल को ऐड करके हम लोग को कितना मिलता है, 180 डिग्री होता है। तो पहला एंगल अगर 5x अगर होता, दूसरा एंगल अगर 6x होता, तीसरा एंगल अगर 7x होता, तो तीन एंगल को मिला के कितना होगा 180। तो 18x = अगर 180 होता, x = क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। तो मिडिल एंगल मतलब 6x क्या हो जाएगा, 6:10 मतलब 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, मिडिल एंगल 60 डिग्री, जो पहला एंगल हो 50 डिग्री और जो लास्ट एंगल है थर्ड एंगल हो 70 डिग्री, दोनों तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। ओके, थ्री नंबर का क्वेश्चन में आप देख सकते हो दो स्टूडेंट दो टाइप में भेजा है। एक स्टूडेंट ने भेजा 25x = 125y, तो क्या हो जाएगा, मैं ऐसे पहले किया था इस क्वेश्चन का, तो 25x = 125y, तो x और y को इधर मैं रख दिया हूँ और ये जो डिजिट है इसको मैं अलग से रखा हूँ, तो इसको जब काटेंगे तो 5/1 हो जाएगा, तो x = 1 हो जाएगा। लेकिन एक स्टूडेंट ने ऐसे लिखा 25x = 125y, तो इस क्वेश्चन अगर आप लोग को आया था तो क्या हो जाएगा, 25 को 5 स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 5 स्क्वायर जब भी करेंगे तो ऊपर का जो x है उसका साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो 5^2x हो जाएगा, और 125 को आप लोग लिख सकते हैं 5^3 लिख सकते हैं, तो 3y का साथ मल्टीपल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बेस अगर समान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो पावर है पावर भी समान हो जाएगा, तो बेस हट गया तो 2x = 3y हो जाएगा, तो x/y 3/2 हो जाएगा, तो x = 3:2 हो जाएगा। समझ में आ गया है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था हु हेडक्वार्टर लोकेटेड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ब्लू रेवोल्यूशन किसका संबंधित होता है, फिश प्रोडक्शन मछली उत्पादन का संबंधित होता है। सिक्स नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, तो इसमें आपको पूछे जा रहा है
कौन सा केमिकल प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं कोई भी ऑक्साइड से मेटल को प्राप्त करने के लिए। जैसे अगर बात करते हैं आयरन का ओर होता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और भी जो ओर होता है, तो इससे आयरन ओर से जब हम लोग आयरन को ऑब्टेन करते हैं, आयरन का जब निष्कासित करते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या प्रोसेस बोलते हैं, रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। मतलब पहले आयरन ओर था, आयरन ओर का साथ और भी चीज़ मिला हुआ था, तो उससे हम लोग आयरन को अलग करते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कम हो रहा है, आयरन का परिमाण भी कम होता है, तो ये रिडक्शन प्रोसेस होता है। मेटल ऑक्साइड से हम लोग जब मेटल को निकालते हैं तो रिडक्शन प्रोसेस होता है। सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। तो अगर आप लोग देखते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, सबसे पहले 2 होगा, उसका बाद होगा 4। ओके, क्योंकि इस सेल में मैक्सिमम 8 तक हो सकता है, क्योंकि इसका 6 एटॉमिक नंबर है, तो 2 सबसे पहले में हो जाएगा और बाकी उसका नेक्स्ट में 4 हो जाएगा, तो टोटल 6 हो रहा है। ओके, अगर इस फॉर्मेट में पूछा तो 1s2 2s2 2p2 राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 2 2 2 6 टोटल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच टीम ओन द 2017 वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल, 2017 वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल इंग्लैंड और भारत का बीच में हुआ था, तो इसमें मैच जीता था इंग्लैंड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, फाइंड द मीडियन ऑफ द अबव गिवन सीरीज, ये जो गिवन सीरीज आपको दिया जा रहा है इसका मध्यमा निकालने के लिए बोला है, तो मीडियन का जब भी बात करेगा टोटल देखना पड़ेगा कितना आपको संख्या दिया है, 1 2 3 4 5 6, टोटल को ऐड करके 6 से डिवाइड कर देना है। आप देख सकते हैं मैं ऐड कर दूँ, उसके बाद 166 आया, उसको 6 से डिवाइड किया तो 27.67 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हो सके एग्जाम में आप लोग का डिजिट थोड़ा अलग दिया है, इधर डिजिट 1-2 गलत हो सकता है, लेकिन जो प्रोसेस है प्रोसेस आप लोग को यही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं आप लोग आज 42 बताने वाला हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई भी फर्जी क्वेश्चन नहीं है। इसका बाद फीटर का 50 में से 50 क्वेश्चन का मैं कलेक्शन कर पाया हूँ, तो आप सभी का हेल्प का वजह से, और मैं प्लांट ऑपरेटर का भी 50 क्वेश्चन में से 50 ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर मैं आप लोग का साथ शेयर करूंगा प्लांट ऑपरेटर का। ओके, तब तक मेरा चैनल का साथ जुड़े रहना, जितना हो सके आप लोग जैसे सपोर्ट करते वैसे आप लोग सपोर्ट करते रहना। 10 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको पूछा जा रहा है, द हाइट ऑफ ए टावर इज 40 मीटर, एक टावर का हाइट 40 मीटर है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ग्राउंड का एक पॉइंट से टावर का टॉप का जो एंगल होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टावर, टावर से वो पॉइंट का डिस्टेंस कितना होता है, तो आप देख सकते हैं टावर है जिसका हाइट है 40 मीटर। ओके, तो इधर से जो टावर का जो टॉप है उधर से ग्राउंड का एक पॉइंट का जो बीच में एंगल है 30 डिग्री है। ओके, अभी पूछे जा रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट से टावर का टॉप का डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, आप देख सकते हैं अतिभुज, हाइपोटेनस सबको निकालना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं इधर आपको निकालना क्या है, ए आपको निकालना है, ए सी निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस निकालना है, और लंब आपको दिया है, हाइट आपको दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा हाइपोटेनस होता है या अतिभुज होता है। ओके, तो लंब क्या है ए बी और अतिभुज ए सी, तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू 40 दिया है, 40 हो जाएगा, और ए सी का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, साइन 30 का वैल्यू हाफ, तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी अतिभुज आप देख सकते हैं 80 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो टावर का टॉप से ग्राउंड का जो पॉइंट उसका बीच में डिस्टेंस है 80 मीटर, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक्स स्क्वायर माइनस 5a इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 2x2 - 2a + 6, तो 2x2 - 2a + 6 से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, x2 - 5a, तो आप देख सकते हैं मैं माइनस कर दूँ, उसके बाद मैं साइन चेंज कर दिया हूँ क्योंकि मेरे को सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला, तो प्लस x2 था उसको हम लोग क्या किया, माइनस x2 किया, और जो माइनस 5a था उसको माइनस किया, इसीलिए क्या हो जाए, साइन चेंज हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, साइन चेंज हम लोग जब भी कब करते, जब सब्सट्रैक्ट करते, ठीक है। तो आप देख सकते पहले 2x2 था माइनस x2, तो क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, पहले माइनस 2a था अभी प्लस 5a, तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, ऊपर में 6 था तो 6 हो जाएगा, तो x2 + 3a + 6, समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
12 द कॉमन नेम ऑफ Na2SO4 10H2O, इसका डिस्कशन मैं क्लास में किया था। तो इसका नाम है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट अगर Na2SO4 तक होता तब सोडियम सल्फेट होता है, जब 10H2O बोलते मतलब डेका हाइड्रेट, 10 का वजह से डेका होता है और हाइड्रेट मतलब H2O। समझ में आ गया। 13 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको पूछे जा रहा है, हु इज नोन एज द मेट्रोमैन। सभी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को जरूर भेजा है। इसका नाम है एलाटू वलप्पिल श्रीधरन, ठीक है। तो ये साउथ का नाम है, थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकता है। ओके, 14 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको पूछे जा रहा है, वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड दिलीप इज 16 मिनट्स लेट इन रीचिंग हिज ऑफिस, द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड हिज ऑफिस इज। तो आपको यही बताया जा रहा है, जब दिलीप उसका नॉर्मल स्पीड से 3/4 जाता है, मतलब नॉर्मल जो स्पीड होता है उसका 3/4 में जाता है, तब वो 16 मिनट लेट में पहुंचता है। तो यूजुअल टाइम उसको कितना लगता है घर से ऑफिस पहुंचने में, तो आप लोग जानते हैं स्पीड का साथ, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम होता है। तो आप लोग जानते हैं स्पीड का साथ टाइम क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगा। ओके, तो इधर आपको यूजुअल टाइम निकलना पड़ेगा, तो इधर आपको यूजुअल स्पीड क्या दिया है, तो यूजुअल स्पीड का 3/4 में वो जा रहा है, ठीक है। तो यूजुअल स्पीड जो होता है उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो 3/4 यूजुअल स्पीड में वो गया था, तो उसका अगर टाइम में बोले यूजुअल टाइम में गया तो क्या हो जाएगा, उसका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए 1/3/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4/3 ऑफ यूजुअल टाइम। तो टाइम अगर ये इतना स्पीड में जाएगा, यूजुअल स्पीड का अगर 3/4 में जा रहा है तो उसका टाइम कितना लगेगा, 4/3 ऑफ यूजुअल टाइम लगेगा, जो टाइम लगता है उसका 4/3 लगेगा, उसका ऑपोजिट लगेगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसीलिए। ओके, इजिकल टू कितना हो रहा है, जो यूजुअल टाइम आपको लगता है उससे 16 मिनट वो लेट हो रहा है, मतलब उससे और भी 16 मिनट उसको ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अगर ये इतना टाइम में जा रहा है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, 4/3 ऑफ यूजुअल टाइम, और इधर से आपको यूजुअल टाइम को इधर लाना पड़ेगा तो माइनस हो जाएगा, इजिकल टू 16 मिनट हो जाएगा। तो अगर इसको अगर एलसीएम करेंगे तो 1/3 ऑफ यूजुअल टाइम इजिकल टू 16 मिनट आ जाएगा, तो यूजुअल टाइम इजिकल टू आ जाएगा 16 × 3 = 48 मिनट। तो आपको निकालना क्या था, यूजुअल टाइम आपको कितना लगेगा घर से दिलीप को ऑफिस पहुंचने में, ठीक है। तो इधर आपको यूजुअल स्पीड दिया था, उसको जस्ट यूजुअल टाइम में कर दिया। यूजुअल टाइम में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/3/4 के 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4/3 ऑफ यूजुअल टाइम हो जाएगा। समझ में आ गया है क्या मैं फंडा आपको बताया हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ए स्टूडेंट नीड 30% टू पास द एग्जाम। एक स्टूडेंट को एग्जामिनेशन को पास करने के लिए 30% मार्क्स चाहिए। इफ ही स्कोर्ड 212 मार्क्स एंड फेल्स बाय 13 मार्क्स, मतलब एक स्टूडेंट को एग्जाम पास करने के लिए 30% चाहिए लेकिन वो 212 मार्क्स लाया और 13 मार्क्स के लिए एग्जाम में फेल हो गया, तो इसका पासिंग मार्क्स कितना होता है। अगर 212 मार्क्स लाने का भी बाद 13 मार्क्स से फेल हो जाता, मतलब और भी 13 मार्क्स अगर लाता तो पास हो जाता, तो इसका पासिंग मार्क्स 225 हो रहा है। तो आप लोग बता सकते हैं कि ये जो आपको टोटल एग्जामिनेशन का मार्क्स है उसका 30% पासिंग मार्क्स है, तो एक अगर टोटल मार्क्स है उसका 30% क्या हो जाएगा, टोटल वो हो जाएगा पासिंग मार्क्स, क्योंकि वो 30% पासिंग मार्क्स आपको बोला है और इधर 225 बढ़ है, तो इसको अगर आप लोग करेंगे तो कटने के बाद क्या आ जाएगा, 750 एक्स इक्वल टू आ जाएगा। तो एक्स क्या हो जाएगा, एग्जाम का टोटल मार्क्स 750 है और एग्जाम को पास करने के लिए आपको क्या बोला था, 30% मार्क्स लाना पड़ेगा, तो 750 का 30% क्या हो जाएगा, 225 आ रहा है, और इधर भी कैलकुलेशन करेंगे तो इधर आ जाएगा 225। तो क्वेश्चन राइट है, आपको पता चल गया है। 16 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको पूछा जा रहा है, गैल्वनाइजिंग इज यूज टू कोट डैश ऑन माइल्ड स्टील। गैल्वनाइजिंग प्रोसेस में हम लोग माइल्ड स्टील को ऊपर किसका कोटिंग करते हैं, जिंक का कोटिंग हम लोग करते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको पूछे जा रहा है, इन ए रीजन विथ कोल्ड क्लाइमेट द एक्वाटिक एनिमल कैन सर्वाइव एट 4°C बिकॉज। कोल्ड क्लाइमेट एक्वाटिक मतलब जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जहाँ पे होता है उधर एक्वाटिक एनिमल 4 डिग्री तम मात्रा में भी बांच सकता है। इसका पीछे क्या होता है, आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर इज इंसुलेटेड, जो आइस वाटर के ऊपर फ्लोटिंग होता है इंसुलेटर के हिसाब से काम करता है, मतलब हीट फ्रॉम द वाटर कैन नॉट ट्रांसफर टू द एटमोसफेयर, जो
वाटर से हीट होता है वो एटमोसफेयर तक वो ट्रांसफर नहीं होता, और वाटर का जो एनोमोलस बिहेवियर होता है, मतलब अगर 0 डिग्री से 4 डिग्री का तरफ बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, वॉल्यूम कमेगा, फिर 4 डिग्री से 10 डिग्री तक जाएगा तो डेंसिटी कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये जो एनोमोलस बिहेवियर होता है वाटर का, तो इसका वजह से क्या होता है, कोल्ड क्लाइमेट में एक्वेटिक एनिमल 4 डिग्री सेंटीग्रेड में वो जी सकता है। ओके, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, तीनों कारण का वजह से होता है, तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा डिस्पर्शन का आपको डिफिनेशन पूछा गया था। द सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स व्हेन द लाइट इज पास्ड थ्रू द प्रिज्म द फेनोमेना इज कॉल्ड एज। जब एक प्रिज्म का बीच से एक व्हाइट लाइट पास होता है तो अलग अलग कलर में वो बट जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सन। तो एग्जामिनेशन का पहला दिन ही आप लोगों को मैं बताया था कि सन में जो रिएक्शन होता है उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, और बाकी जो भी रिएक्शन होता है हाइड्रोजन बम जो भी होता है वो सब क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का वजह से होता है। एटम बम तो न्यूक्लियर फ्यूजन का वजह से होता है, लेकिन सन का क्या रहता है, यू। मैं ए भी लॉजिक आपको बताया था, सन का बीच में यू रहता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन का बीच में भी यू रहता है, तो यू यू आपको मैच करना पड़ेगा। तो एक्चुअली होता है न्यूक्लियर फ्यूजन सन का वजह से जो रिएक्शन होता है। इसका बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था रेशियो बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 5, 10 और 20। 5, 10, 20 का जो एलसीएम होता है और एचसीएफ होता है उसका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम हो जाएगा 20 और एचसीएफ हो जाएगा 5, तो दोनों को रेशियो करेंगे तो 4:1 आ जाएगा। ओके, 21 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच अमंग द फॉलोइंग रूल्स इज एप्लीकेबल टू स्टडी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करेंट एट ए सेम इंस्टेंट। तो कौन सा रूल से हम लोग फोर्स का डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड का और करंट को हम लोग पता लगा सकते हैं, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग कर सकते हैं। ओके, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल से एग्जाम में बार का एग्जाम या डीआई का कोई भी एग्जाम में आपको एक दो क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। तो एक वॉल्यूम था, एक कोन था, उसका वॉल्यूम आपको निकालने के लिए बोला था। तो ये जो कोन था उसका वॉल्यूम अगर आपको निकालने के लिए बोलता है, रेडियस कितना था, 3 सेंटीमीटर था और हाइट 7 सेंटीमीटर था, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। तो आप देख सकते हो 1/3 का जगह 1/3, पाई का जगह 22/7, आर का जगह 3×3 और एच हाइट आपको 7 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर³ वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, 23 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया का सिलिकॉन सिटी कौन सा शहर को कहते हैं, तो बेंगलुरु को कहते हैं। 24 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था जिस जो क्वेश्चन मैं बहुत बार एग्जाम में मैं आपको बताया था, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया था या इसका पीवीएसआर क्वेश्चन पेपर, तो उसमें मैं इसका डिस्कशन किया था। लाइटियर इज द यूनिट ऑफ, लाइटियर डिस्टेंस का यूनिट, दूरी का यूनिट होता है। 25 नंबर का क्वेश्चन में सिडबी बैंक से शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक स्टूडेंट ने सिडबी बैंक का फुल फॉर्म बोला था, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इससे रिलेटेड एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछा था हमें पता नहीं है, तो इससे एक तो क्वेश्चन पूछा था उसका राइट आंसर सिडबी होने वाला है। पीएच वैल्यू ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना होता है, तो ये 7 हो जाएगा। पीएच वैल्यू मतलब है 7, मतलब न्यूट्रल होता है। ओके, इसका बाद 15 sin θ = 7 cos θ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा था शायद आपको, 15 sin θ - 7 cos θ इस टाइप का पूछा था, तो इसको इस साइड में लाना पड़ेगा, तो 7 cos θ हो जाएगा। sin θ / cos θ = 7/15, तो sin θ / cos θ = 10θ, तो 10θ का वैल्यू आ गया 7/15। ओके, 28 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ एमीटर एंड वोल्टमीटर शुड बी कनेक्टेड इन। ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करने के लिए एमीटर और वोल्टमीटर को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, तो एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज और वोल्टमीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कोण ए 30 डिग्री, कोण बी 90 डिग्री, कोण सी 60 डिग्री। इफ़ ए सी इज इक्वल टू 14 देन बी सी, तो आपको कोण ए 30 डिग्री है, बी 90 डिग्री है, सी 60 डिग्री है। तो ए सी आपको हाइपोटेनस 14 सेंटीमीटर दिया, बी सी आपको निकालना पड़ेगा। तो बी सी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस 60 इज इक्वल टू बी सी बटा ए सी, क्योंकि भूमि बटा अतिभुज होता है, तो बी सी आपको निकालना है। तो
एसी का वैल्यू 14 है तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हाफ है, तो बीसी इजिकल टू 7 सेंटीमीटर, भूमि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, 30 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 केजी है तो उसका वेट कितना हो जाएगा, वेट इजिकल टू एम इंटू जी होता है। इस क्वेश्चन का भी मैं डिस्कशन आप लोगों को साथ कर दिया था, तो एम मास होता है 1 केजी और जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9.8 न्यूटन हो जाएगा उसका वेट, वेट का यूनिट होता है न्यूटन। इसका बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिकंदर महान वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, तो इसमें एक डायनेस्टी से शायद क्वेश्चन पूछा था, तो ऑप्शन एग्जैक्टली क्या था हमें पता नहीं है, अगर आप लोगों को पता था तो आप लोग कॉमेंट में जरूर बता देना। 32 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था 3 - √3 × 3 + √3, तो ये फॉर्मूला होता है a + b × a - b, तो आपको क्या करना पड़ेगा, a² - b² कर देना, तो आप देख सकते सीधा मैं कर दे 3² - √3 होल स्क्वायर, 3² = 9 और √3² = 3, तो माइनस करेंगे तो 6 राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था एक न्यूमेरिकल साइंस से, वोल्ट इजिकल टू 220 वोल्ट पावर 1100 वाट, देन रेजिस्टेंस विल बी, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इजिकल टू वोल्टेज स्क्वायर बटा पावर, तो आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस इजिकल टू आप लोग वोल्टेज स्क्वायर बटा पावर कर सकते हैं, करेंगे तो इसका राइट आंसर रेजिस्टेंस इजिकल टू 44 ओम आ जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, फास्टेस्ट मैनमेड ऑब्जेक्ट इन स्पेस, अंतरिक्ष में सबसे पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट कौन सा था, तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या था ये तो किसी ने भेजा नहीं है, तो मेरा हिसाब से नासा पार्कर सोलर प्रोब राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 35 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, व्हिच डज नॉट हैव सेल, किसका कोष नहीं होता, तो ये राइट आंसर हो जाएगा वायरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ए सॉफ्ट आयरन बार इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलिनोइड, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनोइड, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, एक करंट कैरिंग मतलब एक सोलिनोइड का बीच में जब करंट चल रहा है तो उसका अंदर जब सॉफ्ट आयरन बार को हम लोग रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सोलिनोइड के अंदर, तो बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, 5 cos θ - 12 sin θ, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, शायद 10 θ का निकालने के लिए आपको बोला था, तो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था किसी ने भी भेजा नहीं है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे इस क्वेश्चन इस रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। 38 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। 39 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कंपाउंड इंटरेस्ट से, CI से क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट 2000 रुपीज एट द रेट ऑफ 20% इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स, तो आपको अमाउंट निकालना है सबसे पहले, तो P ब्रैकेट में 1 + rate of interest / 100 (close) NT मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, तो आपको सभी चीज़ डालने के बाद क्या हो जाएगा 3486 टोटल अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट इजिकल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 2000 है तो 3456 - 2000 1456, तो ये क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, तो 1456 राइट आंसर है। 40 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, फोर्स का मैग्नेटिक लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, कभी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करता है। 41 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डबल्ड व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल वन, मतलब कोई भी एक सिलेंडर का रेडियस को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं डबल कर देते हैं तब उसका जो ओरिजिनल जो वॉल्यूम है उससे बढ़ाने का बाद जो न्यू सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उसका रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले रेडियस r था, उसका बाद रेडियस को हम लोग डबल किया मतलब 2r किया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा π r² ईच होता है, तो r² का जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा डबल हुआ है, तो न्यू का क्या हो जाएगा 2r² और नीचे π r² ईच हो जाएगा, तो स्क्वायर में था इसलिए π 4 r² ईच हो जाएगा और नीचे π r² ईच, तो π r² ईच कट जाएगा, तो 4:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो नया सिलेंडर का वॉल्यूम है और ओरिजिनल सिलेंडर का वॉल्यूम का रेशियो 4:1 हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, इन ए पैरालेलोग्राम ए सर्किल टचेस ऑल द साइड दैट इज, एक पैरालेलोग्राम है जिसमें एक सर्किल है जो ऑल साइड को टच करता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग रोम्बोस कहते हैं। ठीक है, तो वर्क का एग्जाम कंप्लीटेड हो गया, जो भी स्टूडेंट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्रैक किया वो सभी स्टूडेंट एडवांस एग्जाम को दे पाया है, एडवांस का भी पेपर में डिस्कशन करने वाला हूँ, सभी स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं,
मेरा वीडियो के लिए, तो मैं आप लोगों को निराश नहीं करूँगा, एग्जैक्ट वीडियो आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करूँगा एग्जैक्ट आंसर की का साथ। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और चैनल को सपोर्ट करते रहे, जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।